अभी ना बहुत अच्छा। पहले बोलो हाय एवरीवन, हाय एवरीवन, हाय एवरीवन, वेलकम टू वन कप टू ए फॉर ऑटिज्म, ए फॉर ऑटिज्म। टाइम हमारे घर का माहौल बहुत बिजी और बहुत क्वाइट भी होता है क्योंकि मैं अपने ऑफिस का काम कर रही हूँ और ये रहे विराज जी। विराज से हेलो, थोड़ी देर मेरे पास खेलता है और जब तक मैं अपने ऑफिस का काम फिनिश नहीं करती तो विक्रांत कोशिश करते हैं उसको इंगेज रखने की। अगर विक्रांत इंगेज नहीं कर पाते हैं तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ, मैं इंगेज करती हूँ और फिर हम उसके बाद थोड़ी सी पढ़ाई का टाइम निकालते हैं। बट हाँ, पढ़ाई या रिकॉग्निशन आइडेंटिफिकेशन ये हम डेली करते हैं विदाउट अ फेल। वेरी गुड वेरी गुड, करो फिर से करो, ऐसे हेड डिप करो बैक में। हाँ, ये आपने क्या किया है? सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, ये बैड है। सॉरी कैसे बोलते हैं? बोलो सॉरी मम्मा, जोर से बोलो सॉरी मम्मा। ये बैड है विराज, आपने क्यों गिरा दिया? अब कौन क्लीन करेगा इसको? ऐसे वाले एपिसोड्स हमारे घर में बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। आई होप आपके यहाँ भी होते होंगे। क्या देख रहे हो आप मेरे लैपटॉप में? वर्क। आई एम श्योर आप सोच रहे होंगे कि हम विराज को इंगेज्ड कैसे रखते हैं इतनी देर, जैसे मैं और विक्रांत अगर काम कर रहे हैं तो विक्रांत के साथ विराज का बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बॉन्ड है और मेरे साथ बहुत टीचर वाला बॉन्ड है। तो मेरे साथ जनरली अगर मुझे इंगेज करना है तो मैं जो ब्रेक वाला टाइम है जिसमें मेरे पास विराज आता है तो उस टाइम पे मैं जो है उसको जेस्चर इमिटेशन करवाती हूँ, बहुत डिफरेंट डिफरेंट, बहुत न्यू रोज़ नए ऐड करती हूँ और चेक भी करती हूँ पुराना वाला याद है कि नहीं याद है। जैसे अभी मैं उसे विंक करना सिखा रही हूँ, तो आई नो ये बहुत ही न्यू है, कुछ काम नहीं आएगा, बट इट्स अ फनी वे। एंड मैं उसको सिखाती हूँ कि आप अपनी वन आई कंट्रोल करो और वन आई को जो है क्लोज करो। तो ये ऑल्दो विंक करना कुछ उसका यूटिलाइजेशन नहीं है प्रोडक्टिव, बट एक्चुअली उसकी एक आँख बंद होगी एंड ही लर्न टू कंट्रोल। तो ऐसे ही मैं कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी उसको न्यू कराती रहती हूँ क्योंकि मेरा प्ले करने का या मेरा जो विराज के साथ इंगेज करने का तरीका है वो थोड़ा टीचर वाला रोल प्ले वाला है कि मैं उसकी मेंटोर की तरह काम करती हूँ। विक्रांत मेंटोर की तरह तो करते ही हैं बट विक्रांत के साथ विराज की प्लेफुल इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है। तो टॉयज़ को लेकर प्रिटेंड प्ले करना या फिर विराज को जो है हॉर्स बन के विक्रांत जो है उसको राइड करवाते हैं, मतलब बहुत वैसा बहुत ही प्लेफुल इंगेजमेंट। तो वो विक्रांत को अपना एज अ फ्रेंड लेता है और मुझे थोड़ा सा एज अ मेंटोर या एज अ टीचर ट्रीट करता है। तो मेरे से थोड़ी सी चीज़ें वो जल्दी इस तरीके से कर भी लेता है। विक्रांत के साथ वो प्लेफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना ज़्यादा पसंद करता है। विंक करवाना, विंक विराज, विंक कर दो, विंक विंक। अरे वन आई से करना था ऐसे। जय कैसे बोलेंगे?